प्रतिष्ठा का दिन आ चुका है, आज वही दिन है। अयोध्या में सुबह से ही रौनक दिख रही है और मेरे पीछे आपको बहुत सारे पुलिस ऑफिशियल्स भी दिख रहे होंगे, सुरक्षा के इंतजाम का यहाँ बहुत ध्यान रखने वाले हैं। मैं आपको अभी के लिए इस सड़क की पूरी डेकोरेशन दिखा देती हूँ। लुक एट द डेकोरेशन, रेलिंग पे फूलों से लेके हर चीज का ध्यान रखा गया है। सुबह सुबह से प्रिपरेशन शुरू हो चुकी है, भले वो ढोल वाले की हो या फिर यहाँ पे जो प्रस्तुति देने वाले, क्योंकि बहुत से कलाकार देश भर से यहाँ आए हैं। पीछे देखिए पूरा पुलिस वालों का, जिनकी आज ड्यूटी है, जिनकी आज पूरी चाक चौबंद सुरक्षा की जिम्मेदारी है, वो लोग अपने अपने गंतव्य पे पहुंच रहे हैं ताकि वक्त पे वहां पहुंचकर सब चीजों का ध्यान रख सके। मैं आपको अंदर से एक बार पहले मैं यहां दिखा देती हूँ आपको सड़क के बीचों बीच खड़े होके कि कैसे देखिए यहां से लेके वहां तक अंत तक फूलों से अटा पड़ा अयोध्या। ये तो शुरुआत है जहां से आप एंट्री लेंगे अयोध्या में। यहां से सीधे सड़क पे जाके लता चौक आता है, वहीं से राम जन्मभूमि और आपका हनुमानगढ़ी बिल्कुल करीब पड़ता है। इसके अलावा चलिए आपकी बाकी कलाकार जो यहाँ मौजूद है उनसे एक बार बात करा देते हैं। देखिए श्री राम की पहले तस्वीर देख लीजिए, सुबह सुबह श्री राम के दर्शन कर लेते हैं क्योंकि आज उन्हीं का दिन है, प्राण प्रतिष्ठा का दिन है, रामलला के लौटने का दिन है अयोध्या में। इन लोगों से सबसे पहले बात करते हैं, पूछते लोग क्योंकि ठंड है बहुत ज्यादा तो सभी लोग जैकेट्स में आए हैं। हेलो, कहाँ से आए हैं आप लोग? कहाँ से आए हैं? हम लोग अयोध्या से ही है। अयोध्या से क्या परफॉर्म करेंगे आज? डांस। डांस किस गाने पे? जो बज रहा है। कौन? अच्छा, इसी गाने में डांस करेंगे। कैसा लग रहा है? अयोध्या से ही है। बहुत अच्छा लग रहा है। रामलला वापस लौट रहे हैं, बहुत सुंदर लग रही है। थैंक यू। यहाँ पर जो है लोग बहुत खुश हैं, अयोध्या से हैं, आज यहाँ प्रस्तुति देने वाली हैं। यहाँ पे बहुत से आयोजन होंगे, बहुत सी प्रस्तुतियाँ होंगी, हर जगह हर थोड़ी दूरी पे एक स्टेज लगा हुआ है। देखिए जैसे एक स्टेज यहाँ लगा हुआ है, ठीक है, एक स्टेज जो उसके बाद लगा हुआ है। और ये सभी कलाकार यहीं से नहीं बल्कि यूपी से, कोई बिहार से, कोई गुजरात से, कोई कश्मीर से, कोई कहीं से, यहाँ से पूरे देश भर से रामलला के स्वागत के लिए लोग आए। यहाँ देखिए, यहाँ पे छोटे छोटे पेड़ लगाए गए, उन सभी पे फ्लावर्स से डेकोरेशन है, ऊपर रामलला की बड़ी सी तस्वीर और यहाँ पर पूरा जो ये जो भी ये सेंस बने हुए हैं पेड़ के, उन पर भी फूलों की सजावट हो रखी है। यहाँ देखिए पीछे अभी भी सुरक्षा कर्मियों, मैं उस तरफ देखी तब सुरक्षा कर्मियों का, वहां से देखिए वहां से शुरू हो रहा है ये, इतनी लाइन लंबी, ऐसा लग रहा है जैसे वह परेड चल रही है। इतने सारे पुलिस वाले, इतने सारे सुरक्षा कर्मी सुबह से ही आपकी हमारी अयोध्या की सुरक्षा में लगे रहेंगे। अब हमको उस ग्रुप की तरफ ले चलते हैं जो कि ढोल बजा करके सुबह की शुरुआत कर रहे हैं। हमारे यहाँ वैसे भी हर शुभ काम की शुरुआत ढोल से होती है क्योंकि प्रसन्न किया जाता है भगवान को और बोला जाता है कि आप जो भी घंटी, हम लोग मंदिरों में घंटी भी बजाते हैं तो वो भगवान को उठाने के लिए, उन्हें बताने के लिए कि हाँ हम आपकी आराधना प्रार्थना करने के लिए आ गए हैं, उसके लिए होता है। यहाँ पर अभी आप देखेंगे तो अयोध्या में जैसे आप एंट्री लेते हैं ना, उस वक्त बहुत सारी चीजें आपको दिख जाएंगी जो नई है, जो खूबसूरत है। जैसे कि यहाँ पे देखिए ये तस्वीर कितनी सुंदर है, यहाँ पे राम लक्ष्मण नजर आ रहे हैं। तो ये अयोध्या की सुबह है, ये रामलला की सुबह है, ये प्राण प्रतिष्ठा की सुबह है। यहाँ मैं आप लोग इन लोगों से भी बात करा देती हूँ, आप भी देखिए कितना खूबसूरत है, बहुत ठंड है फिर भी ये लोग सभी गेस्ट का वेलकम करने के लिए तैयार है पूरी तरीके से। लगातार ढोल बज रहा है, मैं इन लोगों से भी आपकी बात कराती हूँ। कहाँ से आए आप? आप तो कृष्ण के अवतार में हैं, रामलला वापस आ रहे, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, अयोध्या के हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है, ये अवसर मिला ये बहुत अच्छी बात है। कृष्ण की नगरी से राम की नगरी में? जी जी जी, कृष्ण की नगरी वृंदावन से आए हम, अब अयोध्या आके राम की नगरी में अपना रास दिखाएंगे, ठाकुर जी का मयूर रास। अच्छा, मयूर रास दिखाएंगे आज आप यहाँ पर। तो आपके पीछे ये पूरा स्टेज जो है वो सेटअप हो चुका है, यहाँ पर ये लोग कृष्ण से आए हैं, ये रास दिखाएंगे, मथुरा वृंदावन का रास अयोध्या में दिखाएंगे। मैं एक बार और आपसे आपको दिखा देती हूँ, पीछे तक देखिए, पीछे तक हर दूरी पे थोड़े थोड़े दूरी पे इसी तरीके के स्टेजेस बने हुए हैं ताकि लोगों का स्वागत किया जा सके, जो भी गेस्ट आने वाले हैं उनका स्वागत किया जा सके, सभी चीजों का ध्यान रखा जा सके। ये आप पीछे सड़क देख रहे होंगे, पूरी सड़क बहुत ही खूबसूरत लग रही है,
इन्हें सजा दिया गया है। अंदर फूलों की और भी सुंदर सजावट है जो हम आपको आगे दिखाएंगे। हम आपको राम की पीढ़ी से भी दिखाएंगे कैसे दियों से पूरा घाट सजाया जा चुका है। तो ये था अभी का लाइव अपडेट। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहें इंडिया टीवी।